स्टूडेंट अब अपन बात करेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो स्टूडेंट देखिए, नेचुरल क्लासिफिकेशन जो था वो किसके बेस पर था? आपकी नेचुरल अफिनिटीज़ के बेस पे था, ठीक है जी। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल अफिनिटीज़ के बेसिस पे था। लाइक इसके अंदर कौन कौन से करेक्टर्स को लिया गया था? एक्सटर्नल फीचर को लिया गया था और साथ में इंटरनल फीचर को भी लिया गया था। जो इंटरनल करेक्टरिस्टिक थे उनको यहाँ पर यूज़ किया गया था। इंटरनल फीचर में क्या क्या था? आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, लाइक उनकी जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उनके उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया था, साथ में उनकी एनाटॉमी, उनकी एम्ब्रियोलॉजी और साथ में उनकी फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है जी। जो प्लांट्स के अंदर कौन कौन से केमिकल्स बन रहे हैं उनके बारे में, उन सभी को बेस बनाकर यहाँ पर नेचुरल क्लासिफिकेशन किया गया। तो जो आपके हायर प्लांट है, जो आपके फ्लावरिंग प्लांट है, उनके लिए जो नेचुरल क्लासिफिकेशन किया गया था वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? बेंथम एंड हुकर के द्वारा। और ये जो आपका क्लासिफिकेशन था वो उनकी जो बुक थी कौन सी, जेनेरा प्लांटेरम, उसके अंदर इसको बताया गया था। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है वो किसके बेस पे है? नेचुरल अफिनिटीज़ के बेस पे। लाइक एक्सटर्नल फीचर और इंटरनल फीचर यहाँ पर इंक्लूड किए गए थे। इंटरनल फीचर में क्या था? उनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर, लाइक उनकी जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर थी उनको बेस बनाया गया था, साथ में उनकी एनाटॉमी को, एम्ब्रियोलॉजी को, फाइटोकेमिस्ट्री को यहाँ पर बेस बनाया गया था। इसके साथ जो नेचुरल क्लासिफिकेशन हायर प्लांट के लिए दिया था वो किसने दिया था? सबसे पहले बेंथम और हुकर ने दिया था। और ये उन्होंने किस में बताया? अपनी जो बुक थी जेनेरा प्लांटेरम, उसके अंदर बताया था, ठीक है जी। तो ये नेचुरल क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट है। करेंगे अब जो अपना लास्ट जो क्लासिफिकेशन है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को सबसे पहले किसने बताया था? तो एडोल्फ एंगलर और प्रेंटल नाम के एक दो साइंटिस्ट थे, एंगलर एंड प्रेंटल, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले किसको बताया था? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस के बेस पे था? ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे था। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब कि कोई भी अगर क्या है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है जी, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर अगर अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। यानी वहाँ पर कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर है वो कौन सी जनरेशन से या कौन से एंसेस्टर से किसके अंदर ट्रांसमिट हो रहा है, वो उसका क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है। यानी कैसे कोई ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है। तो अगर ये कैरेक्टर अपन बेस मान रहे हैं तो उस क्लासिफिकेशन को अपन क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओके स्टूडेंट, तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो कोई भी एक कॉमन टैक्सा है, ठीक है, कोई भी एक टैक्सा ले लिया आपने, कोई भी एक टैक्सा ले लिया और इस टैक्सा की आप स्टडी कर रहे हो। तो अगर कोई टैक्सा क्या है, सिमिलर है, यानी दो अगर दो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर आपको सिमिलर लग रहे हैं, यानी सिमिलर टैक्सा के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब कि उनके जो एंसेस्टर होंगे, उनके जो क्या होंगे, एंसेस्टर होंगे, वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो याद रखना, सिमिलर टैक्सा हैव सिमिलर एंसेस्टर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर इस क्लासिफिकेशन को अपन क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। सो फीचर क्लासिफिकेशन जो है वो तो बहुत ही कम कैरेक्टर को यूज़ करके फिर क्लासिफिकेशन किया गया था, और ये क्लासिफिकेशन थियोफेस्टस और लीनियस के द्वारा किया गया था। इसके बाद कौन सा क्लासिफिकेशन अपन ने देखा? नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? बेंथम और हुकर ने। जो हायर प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, उनके अंदर सबसे पहले इस क्लासिफिकेशन को बताया था, और ये अपनी जो बुक थी जेनेरा प्लांटेरम उसमें इस बारे में डिस्कस की थी। की फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो किसके द्वारा बताया गया था? एंगलर और प्रेंटल के द्वारा बताया गया था। यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, एंगलर और प्रेंटल ने किसको दिया था सबसे पहले? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को दिया था। ये किस बेस पर था? ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे था। यानी कैसे कोई ऑर्गेनिज्म इवोल्व हुआ है, उसके अंदर कौन से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिट हुए हैं, अगर उसको बेस मानकर अपन क्लासीफाई कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर अगर अपन क्या देख रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनका क्या है, सेम टैक्सा है। अगर सेम टैक्सा होगा तो उनके एंसेस्टर भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। सो स्टूडेंट, यहाँ तक आज अपन ने बात की। तो स्टूडेंट, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।